तो गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इस थीम की, ये है ऑक्सीजन ओएस थीम। ऑक्सीजन ओएस थीम जो है काफ़ी लोग मेरे से डिमांड कर रहे थे, काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए थे। लास्ट वीडियो जो मैंने ऑक्सीजन ओएस पे बनाया था उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने बोला था कि और भी थीम्स बताओ ऑक्सीजन ओएस पे। तो अभी जो है ये लेटेस्ट थीम आई है वन प्लस ऑक्सीजन ओएस पे, और ये जो है ऑक्सीजन ओएस 11 पे बेस्ड है। तो इसका लॉक स्क्रीन वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसका नेविगेशन गेस्चर कैसा देखने को लगता है, नॉर्मल जो आइकन्स होते हैं वो भी कैसे आपको देखने को मिलेंगे, वो चीज़ भी बात करेंगे इस वीडियो में। जल्दी से चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो है आप आइकन्स वगैरह देख लो, इसके नॉर्मली जो वन प्लस वाले आइकन्स है वही आपको देखने को मिलते हैं। इसमें विजेट जो है आपको नॉर्मल जो वन प्लस वाला आइकन और विजेट वही आपको देखने को मिलता है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। लेकिन जो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है एक चीज़ देखने को मिलती है, वो है इसका बैटरी परसेंटेज और इसका इंडिकेटर, जो कि आपको सर्कुलर शेप में देखने को मिलता है। जैसे कि आपको वन प्लस में देखने को मिलता था वैसा ही सेम आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये थीम बन जाती है, क्योंकि इसका जो इंडिकेटर है ना बैटरी का, वो मेरे को पर्सनली काफ़ी पसंद आया, जो कि वन प्लस से मिलता जुलता है। साथ ही जो है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे इस थीम को डाउनलोड करना है। सबसे पहले जो है आप इसका स्टेटस बार देख लीजिए, ये जो है नॉर्मल स्टेटस बार आपको देखने को मिलता है, जो कि कंट्रोल सेंटर है। यहाँ पर मैं आपको इसका जो स्टेटस बार आता है ना MIUI का, वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ये है सेटिंग्स आइकन, और ये जो है सेटिंग्स पैनल में आपको कुछ इस टाइप का लेआउट देखने को मिलेगा। साथ ही जो है अब मैं चलता हूँ एक बार आपको नॉर्मल जो स्टेटस बार इसमें देखने को मिलता है ना वही आपको दिखा देता हूँ। तो उसको चेंज कर लेते हैं। उसको चेंज करने के लिए आपको जाना है नोटिफिकेशंस, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं हम कंट्रोल सेंटर। और इसको जो है ऑफ कर देते हैं कंट्रोल सेंटर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारा नॉर्मल स्टेटस बार, जो कि आपको देखने को मिलता है वन प्लस में। यहाँ पर जो है कुछ इस टाइप का लेआउट आपको देखने को मिलता है, इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और ऐसा लेआउट आपको देखने को मिलता है जो कि डार्क मोड को भी सपोर्ट करता है ये थीम। और डार्क मोड को ऑफ कर देंगे तो आपको कुछ इस टाइप का लेआउट देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका स्टेटस बार भी है, आपको वन प्लस जैसा ही देखने को मिलता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि आपको इस थीम में वन प्लस वाला स्टेटस बार देखने को मिलता है। कंट्रोल सेंटर को मैं दोबारा से ऑन कर देता हूं, और हम जो है इस गेस्चर नेविगेशन को देखते हैं कि ये चेंज होता है कि नहीं। यहां पर गेस्चर में चले जाते हैं, यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, फुल स्क्रीन का ऑप्शन है शायद। फुल स्क्रीन डिस्प्ले को हम देख लेते हैं, आपको बटन्स कैसे देखने को मिलते हैं। तो बटन्स आपको जैसे वन प्लस में नॉर्मल बटन्स देखने को मिलते हैं वैसा ही बटन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि आपको वन प्लस जैसा ही टोटली लुक ये प्रोवाइड कर रहा है। तो डेवलपर ने काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें काम किया है, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं इसमें। देखते हैं इसके लॉक स्क्रीन के बारे में। लॉक स्क्रीन में आपको कुछ इस टाइप का लेआउट देखने को मिलेगा, जो कि आपको टोटली वन प्लस वाला लुक दे रहा होगा। यहाँ पे विजेट आप देख सकते हो। साथ ही जो है एक बार मैं वन प्लस के आइकन को भी क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लॉक स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो अगर आपको चेंज करना है तो, और क्लॉक का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। और फुल स्क्रीन म्यूजिक ब्लर भी आपको देखने को मिलता है, जो कि कैसे ऑन करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको हटा देते हैं। यहाँ पर आप डबल टैप करेंगे तो आपको ऐसा ब्लर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप अनेबल डिसेबल कर सकते हो, जो कि ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको ये भी फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि छोटी छोटी बातों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है इस थीम की। तो यही था ये थीम, और आपको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। थीम का नेम बता देता हूँ, सबसे पहले इसका नाम है ऑक्सीजन ओएस, और डेवलपर मैं एक बार दिखा देता हूँ, उनको शाउट आउट दे देता हूँ। डेवलपर है फारदूस अहमद, उनको शाउट आउट है, और इनके काफ़ी अच्छे अच्छे थीम्स हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हो इनके आईडी में जाके। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो, और प्रेस कर लेना बेल आइकन को भी, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।